फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं हूं सिंपल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसा प्लम केक जो आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए 75 ग्राम ग्रीन रेजिन्स, 75 ग्राम ब्लैक किशमिश, 75 ग्राम अखरोट, 75 ग्राम बादाम, 75 ग्राम काजू, 100 ग्राम टूटी फूटी ऑरेंज जूस 180 ml। पहले हम ऑरेंज जूस में ग्रीन रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स और टूटी फूटी को 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 24 घंटे के लिए सोक करके रख सकते हैं। अब 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे इसी तरह से 1 घंटे के लिए सोक होने देंगे। अब जो काजू बादाम अखरोट लिया है उसे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। हमें चाहिए कुछ मसाले जैसे 1/8 teaspoon दालचीनी पाउडर, 1/8 teaspoon सौंठ पाउडर, 1/8 teaspoon छोटी इलायची पाउडर, 1/8 teaspoon लवंग का पाउडर, 50 ग्राम बटर। अब ऊपर से सजाने के लिए छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अखरोट, किशमिश। हमें चाहिए 1 cup आटा, 1/3 cup चीनी, 1/3 cup गुड़, 1/4 cup मिल्क पाउडर, 4 tablespoon कंडेंस्ड मिल्क। अब एक पैन में चीनी डालकर लो फ्लेम पर कैरमलाइज्ड होने देंगे। इसे चलाएं नहीं, इसी तरह से छोड़ दें। आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। अब चीनी कैरमलाइज्ड हो चुका है, अब इसे एक बार चला लें। अब इसमें गुड़ मिक्स करें और इसे भी मेल्ट होने दें। आपने देखा, मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों बराबर मात्रा में लिया है। इसे अच्छे से मेल्ट होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। हमें इसमें पानी डालना है, लेकिन अगर हम इसे जलते हुए स्टेज में अगर पानी डालेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, आपके ऊपर छिटक कर गिर सकता है, इसलिए पानी हम ठंडा होने के बाद डालेंगे। अब देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 cup पानी डालकर गैस का फ्लेम फिर से ऑन करके इसे पकने दें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी सिरप जैसी ना हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, आप इसी तरह से इसे चलाते रहें। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके बटर डालेंगे ताकि ये गर्म से इसी में ही मेल्ट हो जाए। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब दूसरी तरफ हम किशमिश को भी स्ट्रेनर में डालकर ऑरेंज जूस से सेपरेट कर लेंगे। आप इस जूस को फेंके नहीं, ये जूस लास्ट में काम आएगा। कढ़ाई में नमक डालकर एक स्टैंड रखकर इसे ढककर प्रीहीट कर ले 10 मिनट के लिए। अब एक बोल में स्ट्रेनर रखकर इसमें 1 cup आटा डालें, 1/8 teaspoon सोडा, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, सौंठ पाउडर, छोटी इलायची पाउडर, लवंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, मिल्क पाउडर को डालकर छन्नी से अच्छी तरह से छान लें। जो सोक किया हुआ किशमिश और टूटी फूटी था उसे मैंने कैरमलाइज शुगर सिरप में मिक्स कर लिया है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 1/2 teaspoon वनीला एसेंस, 4 tablespoon कंडेंस्ड मिल्क। इसे डालकर हम अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें आटे वाले मिक्सचर में डालना है। अब सारे सिरप को डालने के बाद इसमें कटा हुआ अखरोट, बादाम और काजू को डालकर अच्छे से मिक्स करें।
बैटर ड्राई है इसलिए हम इसमें बचा हुआ ऑरेंज जूस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अभी भी ड्राई लग रहा है इसलिए अब हम इसमें हाफ कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पानी अगर और ज़रूरत लगा तो हम इस डाल सकते हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन जाने तक। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। एक टिन को मैंने पहले से ही बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब इसी में सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा डैप कर लें, ऊपर से टूटी फूटी सजा लें। अखरोट, ब्लैक रेजिन्स, काजू को भी कहीं कहीं सजा लें। अब ऊपर से कटा हुआ बादाम भी डाल दें। अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीट कढ़ाई या कुकर में। इस ढक्कन में जो छेद है हम उसे आटे की गोली से बनाकर इस छेद को बंद कर देंगे ताकि इसमें से भाप ना निकले। अच्छे से हमारा केक बेक होकर तैयार हो जाए। इसे हम एक घंटे के लिए बेक होने देंगे। अब ये लगभग एक घंटा हो चुका है। देखिए बैटर इसमें चिपका नहीं है, मतलब अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे कढ़ाई से निकाल कर ठंडा होने दें। देखिए इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसा दिख रहा है ना। ये बहुत ही आसानी से कढ़ाई में ही बेक हो गया, ना ओवन की ज़रूरत ना ओटीजी की। इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। देखिए कितना अच्छे से केक बेक हुआ है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। इस केक को आप क्रिसमस पर ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।